हेलो गाइस, आई एम पल्लवी चौबे एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू लेक्चर ऑफ लाइफ प्रोसेस। इट इज़ अ लेक्चर नंबर 6। हम लोग लीवर के बारे में तो पढ़ ही लिए थे, अब हम लोग पढ़ते हैं सेरेब्रल फंक्शन। इट सीक्रेट्स बाइल विच हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। वो सीक्रेट करता है बाइल जो कि हेल्प करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। लार्ज पार्टिकल्स ऑफ फैट इमल्सिफिकेशन इज कन्वर्टेड इन टू स्मॉलर पार्टिकल ऑफ फैट। जो लार्ज पार्टिकल ऑफ फैट होता है, मतलब हम लोग के अंदर फैट तो बहुत ज़्यादा होता है, जो लार्ज पार्टिकल ऑफ फैट होता है उसको कन्वर्ट करता है स्मॉलर पार्टिकल ऑफ फैट, और वो है मतलब इमल्सिफिकेशन के द्वारा हम लोग का होता है। बाइल जूस मेक्स द फूड अल्कलाइन फॉर एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस जो होता है वो मेक द फूड अल्कलाइन, वो फूड को अल्कलाइन बनाता है और फॉर द एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाटिक जूस के एक्शन के लिए। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन, और वो हमारा हेल्प करता है स्टोरेज ऑफ ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को स्टोर करने में। इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, और वो हमारा हेल्प करता है यूरिया के फॉर्मेशन में। एब्सेंट अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया, और वो होता है अमीनो प्लस CO2 के द्वारा। इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ यूनियन विटामिन ADE B12, मतलब वो स्टोरेज करता है यूनियन और विटामिन, और उसके बाद वो होता है A, D, E, B12। इट सीक्रेट्स हेपरिन विच प्रिवेंट ब्लड कैगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल, और वो सीक्रेट करता है हेपरिन जो कि प्रिवेंट करते हैं ब्लड कैगुलेशन इनसाइड द ब्लड वेसल। इट सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन एंड प्रोट्रोमैबिन। इट हेल्प इन डेटॉक्सिफिकेशन, और वो हमारे हेल्प करता है डेटॉक्सिफिकेशन में। हार्मफुल सबस्टेंसेस इज कन्वर्टेड इनटू हार्मलेस सबस्टेंसेस। जेंट्रिफिकेशन जो होता है वो हमारा हेल्प करता है हार्मफुल जो सबस्टेंस होता है उसको कन्वर्ट करने में हार्मलेस सबस्टेंस में। इट हेल्प इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, और वो हेल्प करता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs में। पैंक्रियास, व्हाट इज पैंक्रियास? इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। पैंक्रियास जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारी बॉडी में। दैट लाइज इन द लूप ऑफ ड्यूडेनम, और जो कि ड्यूडेनम के लूप के पास प्रेजेंट होता है, एंड बिलो द स्टमक, और स्टमक के नीचे। इट इज हेटरोक्राइन इन नेचर, ये जो होता है पैंक्रियास वो हेटरोक्राइन इन नेचर में होता है। सो दैट कंटेन बोथ एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन, जो तो इसी कारण वो कंटेन करता है एक्सोक्राइन एंड इंडोक्राइन पार्ट को। इस इंडोक्राइन पार्ट सीक्रेट इंसुलिन, और जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वो सीक्रेट करता है इंसुलिन। इंसुलिन आप लोग सुने ही होंगे, मतलब जब किसी को शुगर उगर मतलब बढ़ जाता है तो इंसुलिन उनको लगाया जाता है कि उसको मैनेज करने के लिए। एंड ग्लाइकोजन हार्मोन, मतलब जो इंडोक्राइन पार्ट होता है वो इंसुलिन और ग्लाइकोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है, विच रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल, जो कि रेगुलेट करता है ब्लड शुगर लेवल को। इट्स एक्सोक्राइन पार्ट सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, और जो एक्सोक्राइन जो होता है वो पार्ट वो सीक्रेट करता है पैंक्रियाटिक जूस, विच मेनली कंटेन 3 एंजाइम, जो कि मेनली 3 एंजाइम को कंटेन करता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज लाइपेज एंड ट्रिप्सिन। स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू मेल्टोज, वो पैंक्रियाटिक अमाइलेज की वजह से स्टार्च जो होता है वो मेल्टोज में कन्वर्ट होता है। लिपिड फैट इमल्सिफाइड, हम पहले ही पढ़ चुके हैं इमल्सिफिकेशन के बारे में,
मतलब जो फैट लार्ज पार्टिकल का जो फैट होता है वो स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करता है। तो लिपिड फैट जो होता है वो हमारा कन्वर्ट करता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। उसके बाद आता है प्रोटीओजेस एंड पेप्टॉन्स। हम पहले ही जब वो सिल्वर वाला पढ़ रहे थे सलाइवरी ग्लैंड वाला, तो उसमें हम बताए थे कि प्रोटीओजेस जो होता है, पेप्सिनोजन जो होता है वो क्या नाम है इनएक्टिव एंजाइम होता है और उसको कन्वर्ट करता है प्रोटीन में। अब होता है प्रोटीओजेस प्लस पेप्टोन्स, और ट्रिप्सिन जो होता है वो उसको कन्वर्ट करता है पेप्टाइड एंड अमीनो एसिड में। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, व्हाट इज इंटेस्टाइनल ग्लैंड, दे आर आल्सो फॉर्म्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है एंड सीक्रेट इंटेस्टाइनल जूसेस, और जो कि सीक्रेट करता है इंटेस्टाइनल जूसेस को। इट कंटेन्स फॉलोइंग एंजाइम्स, और वो कंटेन करता है फॉलोइंग एंजाइम को, पेप्टिडेज, मेल्टोज, इंटेस्टाइनल लिपेज, सुक्रोज एंड लैक्टोज। पेप्टिडाइड्स को कन्वर्ट करता है अमीनो एसिड में, मेल्टोज को ग्लूकोज में, लिपिड को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, सुक्रोज को ग्लाइकोज और फैक्टोज में, और लैक्टोज को ग्लाइकोज एंड ग्लैक्टोज में। इन द इनर सरफेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स सर्वल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड विली, और इनर सरफेस पे स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो सर्वल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मतलब कंटेन करता है, और उसी को हम लोग कहते हैं विली। दीज विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, और विली जो होता है वो इंक्रीज करता है सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब जो डाइजेस्ट हम लोग का फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विली जो है अपना सरफेस एरिया जो होता है उसको इंक्रीज करता है कि उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। उसके बाद से आता है लार्ज इंटेस्टाइनल, इट इज अबाउट 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। लार्ज इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड मतलब हम लोग के पार्ट में होता है वो 1.5 टू 1.8 मीटर लॉन्ग होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। इट रिसीव सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, और रिसीव करता है सेमी फ्लूइड मिक्सचर ऑफ अनडाइजेस्टेड मैटर, म्यूकस एंड वाटर। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू थ्री पार्ट्स, और वो दो थ्री पार्ट्स में डिफरेंशिएटेड होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हम लोग का भी वो भी थ्री पार्ट में होता है, जो कि डिडिनम, जिजिनम और इलियम। और जो हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो भी हम लोग का थ्री पार्ट में डिवाइड होता है, कैप्सिकम, कॉलन एंड रेक्टम। मतलब हम लोग उसके बारे में तो मतलब डिडिनम, जिजिनम और इलियम के बारे में ज्यादा नहीं पढ़े क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन इसके बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे क्योंकि वो उतना जानकारी हम लोग के लिए अच्छा मतलब अच्छा है जानकारी, तो मान लीजिए हम लोग लेते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन मतलब जितना आपकी बुक में दिया रहेगा उतना ही पढ़ाना चाहिए, तो पढ़ना भी चाहिए। तो इस वजह से अभी आप लोग में उतना डिटेल्स में नहीं दिया है, तो इसलिए मैं यही पढ़ा रही हूँ आपको, जितना दिया है उतना ही पढ़ा रही हूँ। कैप्सिकम इज ए स्मॉल पाउच विच रिसीव फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन। कैप्सिकम जो होता है स्मॉल पाउच होता है जो कि रिसीव करता है फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन से वो फूड को रिसीव करता है। इट ग्लैंड इट कंटेन्स अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, और वो ग्लैंड इन कंटेन करता है एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, उसको कहते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। कॉलन इज द इनवर्टेड यू शेप एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। कॉलन जो होता है वो इनवर्टेड होता है और यू शेप में होता है, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। इट एब्जॉर्ब्स वाटर फ्रॉम फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू फेकल मैटर, और वो एब्जॉर्ब करता है वाटर फ्रॉम फूड एंड उसको कन्वर्ट करता है फेकल मैटर में,
rectum in is the last part of the of large intestine. Rectum जो होता है वो last part होता है large intestine के, which opens to outside by an opening called anus, जो कि open होता है outside by मतलब outside में वो open होता है और open होके उसी को कहते हैं मतलब उसके द्वारा opening के द्वारा उसको कहते हैं anus. Anus. What is anus? It is the last part of alimentary canal. Anus जो होता है वो last part होता है alimentary canal का, which helps in urination, जो कि help करता है urination में. Urination हम आपको पहले बताए थे कि removal of undigested food is known as urination. अब हम लोग respiration कल start करेंगे. आज के लिए इतना ही लेक्चर. थैंक यू. प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन.